नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप लोगों की मोबाइल में भी बहुत सारे ऐड आते होंगे जो कि डिस्प्ले में बिना काम के ऐड आते हैं। फ्रेंड्स, होता क्या है, आजकल हम बहुत सारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते रहते हैं अपने मोबाइल में और यूज़ करते रहते हैं, जिसमें से कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती है जिसे हम इंस्टॉल कर लेते हैं और वो ऑटोमेटिक कभी कभी ओपन हो जाती है, जिसके अंदर से ऐड आ जाती है जो कि हमारे डिस्प्ले पे शो करती है। जब भी हम अपना लॉक खोलने की कोशिश करते हैं तो सामने ऐड आ जाती है, कुछ काम करते रहते तो सामने ऐड आ जाती है, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान होते हैं और हम सोचते हैं कि ये ऐड कैसे आ रही है, हम कैसे इसे बंद करें। फ्रेंड्स, बंद तो हम तब उसको कर सकते हैं जब हमें पता चले कि इस एप्लीकेशन से ऐड आ रही है। अगर ऐड आ रही है तो लाजिम किसी न किसी एप्लीकेशन से ही ऐड आ रही होगी। तो फ्रेंड्स, हम ऐसे में कैसे पता कर सकते हैं कि कौन से एप्लीकेशन से ऐड आ रही है और हम कैसे उसे बंद करेंगे? तो फ्रेंड्स, इस वीडियो हम यही सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम अरविंद यादव है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, न्यू ज्ञान सम्राट। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको थोड़ा भी यूज़फुल लगे तो लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, 200 का टारगेट है फ्रेंड्स, इसे पूरा कर दीजिए लाइक का। और वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आप देख पाओ। अगर दोस्तों को भी आपको प्रॉब्लम है, अगर ऐड वगैरह आते हैं तो ये वीडियो उनको शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम ऐड को ब्लॉक करेंगे अपने मोबाइल में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको फ्रेंड्स एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा, EAS। ये एप्लीकेशन देख लीजिए आप, इसका आइकॉन देख लीजिए, आपको यही इंस्टॉल करना अपने मोबाइल में। वैसे भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इस एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं बैक आता हूँ। बैक आने के बाद इस एप्लीकेशन में चलता हूँ, यहाँ पर ये एप्लीकेशन, और हम यहाँ से इसको ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पर जो भी ये परमिशन आपसे मांगेगी आप उसको परमिशन दे दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से इनेबल करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। ठीक है, आप चाहो तो इसकी सेटिंग कुछ इस तरह से भी कर सकते हो, इस पर मोर पे क्लिक करने के बाद आप ऐप्स पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से दिखाई देगा ये। ठीक है, और नीचे आने के बाद ये आपसे पहले ही परमिशन मांग लेगा, मैंने एक बार इसे और एक बार दिया था परमिशन, इसलिए इस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं परमिशन सेटिंग पर आप जाएंगे और यहाँ से एक्सेसिबिलिटी को यहाँ से ऑन कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके हम इसे ऑन कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये हो गया इसका इतना काम फ्रेंड्स। तो ये एप्लीकेशन जो है फ्रेंड्स, ये मल्टीटास्किंग के लिए यूज़ होती है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि हम मान लीजिए कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो ये हमें बताते हैं कि आपने लास्ट में ये एप्लीकेशन यूज़ किया था। ठीक है, अभी यहाँ पर देख सकते हैं यूट्यूब और व्हाट्सअप दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस बटन पर हम अगर यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र को यूज़ करें, ठीक है, अब बैक लेता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं आप क्रोम ब्राउज़र यहाँ पर दिखा दिया कि आपने क्रोम ब्राउज़र यूज़ किया था। जो भी एप्लीकेशन ओपन होगी ये कैच करके आपको बताएगा कि ये एप्लीकेशन आपने ओपन किया है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैंने व्हाट्सअप को ओपन किया तो उसके बाद देखें यहाँ पर व्हाट्सअप दिखा रहा है कि आपने लास्ट में जो है व्हाट्सअप ओपन हुआ है, आपकी ये एप्लीकेशन ओपन हुई है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, हम जब इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे तो जो भी ऐड वाली एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिकली क्या होती है, ओपन होती है और उसके अंदर से हमें ऐड हमारे डिस्प्ले पे आ जाते हैं, बाहर ऐड आ जाती है जिससे हम परेशान रहते हैं। तो हमें तुरंत ही पता चल जाएगा कि ये वाली एप्लीकेशन इस टाइम पर ओपन हुई थी जिसके अंदर से हमें ऐड आया था, तो हम जाकर उसको उसके ऐड को बंद कर सकते हैं या फिर उस एप्लीकेशन हमें नहीं यूज़ करना तो अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एप्लीकेशन में से ऐड ब्लॉक करने के लिए एक हमारे एंड्रॉयड में ही सेटिंग्स है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हम अपने एंड्रॉयड की सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद ऐप्स में जाइए, आपका ऐप्स कहीं भी हो सकता है, जो भी ऐप्स डाउनलोड करते हैं उसमें जाइए। उसमें जाने के बाद फ्रेंड्स वो एप्लीकेशन ले लीजिए कि जिसमें से आपको ऐड आ रही थी। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि मैं ले लेता हूँ एम एक्स प्लेयर में तो फ्रेंड्स वैसे बाहर ऐड नहीं आती, इसके अंदर ही ऐड आती रहती है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए दे रहा है डाटा यूज़, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए दो चीज़ दिखाई दे रहा है, मोबाइल डाटा और वाईफाई डाटा, मतलब यहाँ से ये मैंने ऑफ़ किया है, आपका इस तरह से ऑन होगा, ऑन होने पे ऐड इसके अंदर आती रहती है। इसको हम ऑफ़ कर देंगे तो ये हमारा मोबाइल का डाटा भी नहीं यूज़ करेगी और वाईफाई भी नहीं यूज़ करेगी। जब ये यूज़ नहीं करेगी नेट तो हमें ऐड नहीं शो करेंगे हमारे मोबाइल में। इस तरह से फ्रेंड्स हम किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल के नेट को बंद करके उसके ऐड को बंद कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए कि जो चीज़ हमें ऑनलाइन चलानी है उसके तो हम नहीं बंद कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम उसका नेट बंद कर देंगे तो वो ऑनलाइन नहीं यूज़ कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये जो एप्लीकेशन ऑफलाइन में काम करती है जैसे एम एक्स प्लेयर हुआ, पिक्सआर्ट हुआ, ये सब का हम ऐड बंद कर सकते हैं अपने मोबाइल से। और मान लीजिए कि वो एप्लीकेशन आपके यूज़ की है, वो एप्लीकेशन जिसकी ऐड आपको बंद करनी है, बार बार डिस्प्ले पे ऐड आ रही है, वो यूज़ की है, तो आप ऐड ब्लॉकर वगैरह भी यूज़ कर सकते हो ऐड बंद करने के लिए। लेकिन तो सबसे बड़ी बात यह है फ्रेंड्स कि हमें जो एप्लीकेशन में से ऐड आ रही थी वो हमें पता चल गया, हमने फाइंड कर लिया उस एप्लीकेशन को, हम चाहें तो उस एप्लीकेशन की ऐड बंद कर सकते हैं।
कर सकते हैं, और वो एप्लीकेशन की हमें ज़रूरत नहीं है तो हम अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं उस एप्लीकेशन को। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम कर सकते हैं काम, और 100% फ्रेंड्स ये वर्क करता है ये पता चल जाएगा हमें कि कौन सी एप्लीकेशन से ऐड आ रही है और हम ध्यान रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए मेरी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी ये वीडियो देखकर अपने ऐड को बंद कर सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं कल एक नई वीडियो में।